हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, चखने से पचने तक। किस तरह से चीज़ों को हम खाते हैं तो वो जाकर हमारे पेट में पचता है, आज का चैप्टर इसी बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टेस्टेस, अलग अलग स्वाद। झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ, I am not going to eat this bitter karela या bitter gourd. Give me good and roti. गुड़ को जैगरी भी कहा जाता है। झुम्पा दौड़ कर किचन में गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगी कि माँ, आज मैं ये करेला, ये जो कड़वा करेला है, ये नहीं खाने वाली। मुझे गुड़ और रोटी दो, मैं आज ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। माँ स्माइल्ड, माँ मुस्कुराई एंड सेड। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, सुबह ही तो तुमने रोटी और चीनी खाई थी। झूलन टीज झुम्पा, झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाया, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम बोर नहीं होती हर समय एक तरह का टेस्ट करते करते, एक ही तरह के टेस्ट का खाना खाते खाते तुम बोर नहीं हो जाती। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने झट से जवाब दिया, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली, क्या तुम बोर होती हो इमली चूसते चूसते, तुम भी तो एक ही तरह की चीज़ खाती रहती हो, इमली खाती हो, क्या तुम बोर होती हो। आई बेट योर माउथ इज़ वॉटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता होगा जब भी तुम ये इमली शब्द सुनती होगी। श्योर आई लव द सावर इमली, बिल्कुल मुझे ये खट्टी इमली बहुत पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं तो मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ, मैं सिर्फ इमली नहीं खाती, मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, झूलन ने कहा और फिर अपनी मदर की ओर देखा। दे बोथ लाफ्ड हर्टली, और उन दोनों ने ज़ोर से हंस दिया। तो यहाँ पे ये है झुम्पा, ये है झूलन और ये है मदर। तो झूलन ने झुम्पा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मुंह को खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कुछ चीज़ तुम्हारे मुंह में डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, तुम्हें खाकर बताना पड़ेगा कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ, झूलन ने कुछ बूंदे लेमन जूस के लिए, नींबू के रस के लिए एक चम्मच में और उसे झुम्पा के मुंह में डाला। सावर लेमन, लेमन खट्टा था। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने क्विकली रिप्लाई दिया कि ये तो खट्टा नींबू है। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन ने फिर एक गुड़ का टुकड़ा उठाया। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मदर ने कहा, क्रश इट, इसका पाउडर बना लो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, वरना उसको पता लग जाएगा कि ये क्या है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजिली गेस्ट इट, झूलन ने जैगरी को क्रश किया, उसका पाउडर बनाया, झुम्पा के मुंह में डाला, लेकिन झुम्पा ने इजिली पहचान लिया कि ये गुड़ है। तो कैसे पहचाना, लेमन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सावर होता है, उसी तरह जैगरी का जो टेस्ट होता है या गुड़ का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, तो इसी से झुम्पा ने पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, उन्होंने कई तरह के फूड आइटम्स से इस तरह के गेम को खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झुम्पा ने तली हुई मछली के स्मेल से ही पहचान लिया था उसको टेस्ट किए बगैर ही। झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज, झूलन ने कहा कि अब तुम अपनी नाक बंद करो, अब बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, झुम्पा कन्फ्यूज हो गई। झूलन ने झुम्पा के नाक को बंद करने के बाद उसके मुंह में एक खाने की चीज़ डाली थी, लेकिन झुम्पा उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा था, थोड़ा सा नमकीन था और कुछ खट्टा खट्टा सा था। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, झुम्पा ने कहा कि मुझे एक चम्मच और खिलाओ। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, झूलन ने झुम्पा के मुंह में एक और चम्मच कुक्ड करेला डाला।
पका हुआ करेला, जो करेले की सब्जी थी, उसको डाला। अनकवर्ड झुम्पाज आइज, अब झुम्पा की आंखों को खोला एंड सेड हियर इट इज ईट। उसके बाद कहा लो अब खाओ। झुम्पा लाफ्ड, झुम्पा जोर से हंस पड़ी, यस गिव मी मोर, हाँ मुझे और थोड़ा सा दो। तो ऐसा क्यों हुआ? इस बार झुम्पा को पता नहीं लग पाया था कि उसने क्या खाया था। इसकी वजह यह है कि झुम्पा की नाक बंद थी। हमारे स्मेल का हमारे टेस्ट से एक गहरा रिश्ता होता है। जब हमें किसी खाने की खुशबू आती है, उसी के बाद हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। जब हमें ज़ुकाम होता है, हमारी नाक बंद होती है, तो हमें इतनी भूख नहीं लगती, क्योंकि हमें तब स्मेल नहीं आती। तो स्मेल, जब भी हमें कहीं से खाने की खुशबू आती है या आपकी मम्मी कुछ पकाती है, उस खुशबू से आपको भी भूख लग जाती है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट का स्मेल से गहरा नाता है, स्मेल से हमारी भूख बढ़ती है। डिस्कस एंड राइट। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग व्हेन शी हियर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट फाइव थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। झूलन के मुँह में पानी आ जाता है जब वो इमली शब्द सुनती है। तो आपके मुंह में कब पानी आता है? ऐसे पांच चीज़ें लिखिए जिनको आप खाना पसंद करते हैं और उनके टेस्ट भी बताइए। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? क्या आपको भी एक तरह के टेस्ट ही पसंद है या अलग अलग टेस्ट का खाना खाना पसंद है? क्यों? क्योंकि एक तरह का टेस्ट हमें बोर कर देगा, हम बोर हो जाएंगे एक ही तरह का खाना खाते खाते या एक ही तरह का टेस्ट लेते लेते। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। झूलन ने नींबू की कुछ बूंदें झुम्पा के मुंह में रखी। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो आपको क्या लगता है कि हम नींबू का स्वाद कुछ बूंदों से ही बता सकते हैं? बिल्कुल, नींबू खट्टा होता है और एक बूंद भी काफ़ी है इसका टेस्ट बताने के लिए। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ एनीसीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर कोई आपके मुंह में कुछ सौंफ के दाने रख दे, तो क्या आप आंखें बंद करके उसका स्वाद बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सौंफ थोड़ी सी मीठी मीठी सी होती है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा को फ्राइड फिश के बारे में कैसे पता लगा जबकि उसने टेस्ट भी नहीं किया था? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? क्या आप ऐसे कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनको आप सिर्फ स्मेल से ही पहचान जाएंगे उनको टेस्ट किए बगैर? बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जिनको स्मेल से ही आप पहचान जाते हैं, जैसे ऑमलेट है, जैसे समोसा है, उस तरह से पकौड़े हैं, है ना? तो इन तरह के खानों को आप उनके स्मेल से ही पहचान जाते हैं उनको टेस्ट किए बगैर ही। Anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? क्या कभी किसी ने आपको मेडिसिन लेने से पहले नाक बंद करने को कहा है? Why do you think they tell you to do this? आपको क्यों लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा होगा कि मेडिसिन के स्मेल से हम उसे खाना नहीं चाहते होंगे या उस मेडिसिन को लेना नहीं चाहते होंगे, तो नाक बंद करने से हमें उसके टेस्ट का पता नहीं लगता है और हम इजीली उसको ले सकते हैं। तो ये जो है, ये टंग के पार्ट्स हैं। टंग के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट होते हैं। यूज़ अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। एक साफ कपड़े से अपने टंग के सामने वाले हिस्से को साफ कीजिए ताकि वो सूख जाए। कुछ सम शुगर और जैगरी देयर, अब उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालिए। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको कोई स्वाद आया? व्हाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे मुंह में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं जिसे टेस्ट बर्ड कहा जाता है। ये टेस्ट बर्ड हमें कई तरह के टेस्ट के बारे में बताते हैं। इनके साथ ही हमारे मुँह में सलाइवा होते हैं। सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होकर हमें उस टेस्ट का फील कराते हैं, उस टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो जब आपने अपने टंग को साफ किया तो आपका सलाइवा भी आपके टंग में नहीं रहा, जिससे कि आपको उसके टेस्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो सलाइवा का इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में या उसका टेस्ट बताने में। सलाइवा मुँह के थूक को कहते हैं। सलाइवा का इम्पॉर्टेंट रोल होता है
हमारे खाने को चबाने में, उसका टेस्ट बताने में, उसको डाइजेस्ट करवाने में। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अब शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने जीभ को बहुत करीब से देखिए। हाउ डज द सर्फेस लुक। अब आपका जीभ कैसा दिख रहा है। कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस। क्या आपको कुछ उभरी हुई चीज़ें, छोटी छोटी उभरी हुई चीज़ें दिख रही हैं अपने जीभ में। बिल्कुल छोटे छोटे उभरे हुए दाने जैसे दिखते हैं हमारे जीभ में, और यही होते हैं टेस्ट बड्स, जिनसे टेस्ट का पता लगता है। तो टेस्ट बड्स के साथ जो सलाइवा होते हैं, ये मिक्स होकर हमें खाने के टेस्ट का फील करवाते हैं, ये खाने के टेस्ट के बारे में बताते हैं। टेल इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। आपको ये बताने में मुश्किल होगी, इनका टेस्ट बताने में मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कई सारे टेस्ट होते हैं। आंवला कभी खट्टा फिर मीठा, इसलिए इनका एक पर्टिकुलर टेस्ट बताना बहुत ही मुश्किल होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस। अब इनके टेस्ट बताइए। टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक। व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, तो झुम्पा ने कुछ ऐसा टेस्ट किया, उसके बाद उसने इस तरह की आवाज़ें निकाली। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। उसने क्या खाया होगा। उसने चिली खाई होगी, उसने मिर्ची खाई होगी। च्यू इट और च्यू इट वेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस। चबाना और अच्छे से चबाना, इसमें अंतर क्या है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। अब क्लास में इसको ट्राई कीजिए। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आप में से हर एक को एक ब्रेड का पीस या रोटी लेना है, या तो फिर कुक्ड राइस लेना है, पका हुआ चावल लेना है। पुट इट इन योर माउथ च्यू 3 to 4 times एंड स्वेलो इट। तो इन्हें अपने मुंह में रखिए, इसको 3 से 4 बार खाइए और निगल लीजिए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ जैसे आपने उसे चबाया। क्या टेस्ट चेंज नहीं होगा, इसका टेस्ट हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम 3 से 4 बार चबाते हैं तो हमारा सलाइवा अच्छे से हमारे मुंह में खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। सलाइवा के मिक्स हो जाने के बाद ही टेस्ट चेंज होता है। तो इसलिए हमें खाने को 30 से 32 times तक चबाना चाहिए, और सलाइवा के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद खाने का स्वाद थोड़ा सा मीठा मीठा सा आता है। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। तो अब आपको दूसरी बार ये करना है। अब आपको उस खाने को 30 से 32 times चबाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चीइंग सो मैनी टाइम्स। तो इतनी बार चबाने से क्या उसका टेस्ट चेंज होगा। बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि सलाइवा के साथ मिक्स होकर उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है। और इस तरह से जितनी बार आप चबाएंगे, जितना ज़्यादा आप चबाएंगे, उससे खाना डाइजेस्ट होने में भी ईजी होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। डिस्कस हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। क्या घर में कभी किसी ने आपको धीरे धीरे खाने के लिए और अच्छे से चबाने के लिए कहा है, ताकि खाना अच्छे से हजम हो जाए। व्हाई डू यू थिंक दे से दिस। वो ये क्यों कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि खाने को आप जितना अच्छे से चबाएंगे, उतना ही खाना अच्छे से हजम होगा। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा। मान लीजिए आप कुछ ऐसे हार्ड चीज़ खा रहे हैं, जैसे जो हरा अमरूद होता है, बहुत सख्त होता है, उसे आप खा रहे हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। तो जब आप एक अमरूद खा रहे होते हैं, जो हरा अमरूद है, जो कि बहुत सख्त होता है, तो सबसे पहले उसका टेस्ट हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप उसको चबाते रहते हैं, वो हमारे सलाइवा से मिक्स होता रहता है, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट मीठा मीठा सा आने लगता है। सलाइवा हार्ड खाने को भी सॉफ्ट बना देते हैं। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। सलाइवा हमारे माउथ में क्या काम करता है। सलाइवा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम जो खाते हैं, अगर वो अच्छे से हम चबाएंगे, तो सलाइवा उस खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी के साथ सलाइवा हार्ड खाने को भी सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इस
चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।